नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बदलाव की बयार। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। हेलो हेलो भाभी, मुझे बचा लो। हेलो, कौन बोल रहा है? आरती, आरती बोल रही हो? हेलो हेलो। तब तक फ़ोन कट चुका था, किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल लाई थी। अमूमन रमा ऐसे कॉल नहीं उठाती है, परंतु आज ना जाने क्या मन में आया कि उसने कॉल रिसीव कर ली। पर इस अस्पष्ट बातचीत से वो खुद कंफ्यूज है। तभी एक ख्याल बिजली के समान कूंधा और बिना एक पल भी गवाए आरती के ससुराल निकल पड़ी। रमा बहुत कम बाहर जाती आती है और अकेले तो शायद कभी नहीं। इस कारण बेटी पलक और काम वाली बाई रंधिया हैरान परेशान है। रमा ने उन्हें शांत रहने को कहा और दिलासा दिया कि पापा के घर लौटने से पहले वो आ जाएंगी। पलक अलग सहम कर बैठी है कि अगर पापा आ गए और मम्मी को न देखा तो जाने क्या क्या कर बैठेंगे। उनके गुस्से का सोचकर ही वो थर थर कांपने लगी। रंधिया उसे समझा बुझाकर अंदर ले गई। ये क्या सुन रहा हूँ, तुम आरती को ससुराल नहीं भेजना चाहती? ये कौन सा नया ड्रामा है? आपने बिल्कुल सही सुना है, रमा ने सिर झुकाकर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। चीटी के भी पर निकल आए हैं, बहुत होशियार बन रही हो आजकल। ब्याही बेटी को सिर पर बिठा कर रखना है, बताओ क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? समाज की इतनी फिक्र है परंतु अपनी बहन की नहीं। कैसे भाई हो, आज अगर पापा जी होते तो कम से कम आरती का ख्याल रखते। बहुत फिक्र है तभी कह रहा हूँ, ब्याह के बाद ससुराल ही असली घर होता है लड़की का। आरती को अपने पास रखेगी, मूर्ख औरत, अनूप ने दांत पीसते हुए कहा। रमा अब तक शांति से अपनी बात रख रही थी। किसी भी बात पर चीखना चिल्लाना और उसे नीचा दिखाना अनूप की पुरानी आदत है। हमेशा चुपचाप सहमी सहमी सी रहने वाली रमा आज ना जाने कैसे बरस पड़ी। ये बात बात पर अपनी मर्दानगी का धोस जमाना बंद करो, बस अब बहुत हुआ। घर परिवार की मान मर्यादा का ख्याल कर मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेहुदा हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर लिया। खुद भी दब्बू कमजोर बनी रही और देखो हमारी बेटी भी वैसी ही बनती जा रही है। लेकिन अब नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी जानवरों सा जीवन जिए। मुबारक हो तुम्हें ये जमीन जायदाद और पुरखों की हवेली। मैं आज ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। आज समझ में आया कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वो भी मिथ्या मान लिया जाता है, रमा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। एक अति साधारण परिवार से आई रमा, जो अपने समय की गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी होल्डर थी, उसकी बुद्धिमता से प्रभावित होकर उसके ससुर ने अपने बद दिमाग और बद मिजाज पर निकम्मे बेटे के लिए उसे वधु चुन लिया था। रमा के निर्धन परिवार ने इसे धनाढ्य परिवार का रिश्ता बिना एक पल गवाए स्वीकार कर लिया। कम से कम बेटी को तो इस दरिद्रता से मुक्ति मिले। घर की बहुओं का काम करना यहाँ सख्त वर्जित था। सिर झुकाकर उसने इस नियम का पालन किया, कभी अपनी शिक्षा दीक्षा पर अभिमान नहीं किया और देखते देखते अनूप के रुतबे और गहरी साख वाले परिवार ने उसे एक मूक निरीह बहू में तब्दील कर दिया था। उम्र की अपरिपक्वता और मायके की चिंता ने उसे ऐसी स्थिति को स्वीकारने को मजबूर कर दिया था। पर बात जब बेटी पर आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अब सिर उठाने का वक्त आ गया है। वह अपनी नंद आरती को लेकर घर आ गई थी, क्योंकि आरती अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार से बहुत पीड़ित थी। अपने घर की महरी के फ़ोन से उसने भाभी रमा को फ़ोन किया था, परंतु पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि कोई आ गया था। रमा को आभास तो था कि आरती वहां प्रताड़ित होती है और उस दिन के उसके फ़ोन ने इसे यकीन में तब्दील कर दिया। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आई, पर अब अनूप उसे फिर से उसी नर्क में भेजने की तैयारी में था। रमा अगर इस समय भी खामोश रहती तो खुद को शायद कभी माफ न कर पाती, और तब उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। अनूप की सगी बहन उसके खिलाफ खड़ी थी,
और रमा के साथ इस घर को छोड़कर जाने की तैयार खड़ी थी। रमा ने आरती और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर की देहरी से बाहर निकल आई। अनूप इस अप्रत्याशित आघात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसे मानो सांप सूंघ गया था। रमान के इस दिव्य और ऐतिहासिक कदम ने अनूप के कुंद हो चुके दिमाग को झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनूप ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उन तीनों को घर लौटने के लिए मना लिया। एक अनजाने फोन कॉल ने रमा की जिंदगी बदल कर रख दी। अगर आज भी वो नहीं जागती तो उसे अपने शिक्षित होने का क्या फायदा होता। रमा ने गुप्त अंधेरे के बाद अपने चारों ओर रोशनी की छटा बिखेर दी थी। अब घर के नियम कानून रमा के सशक्त हाथों में आ चुके थे। देर से ही सही, पर शिक्षा की शक्ति का बिगुल बज चुका था। रमा के दूरदर्शी ससुर जी ने यूं ही उसे अपने घर की बहू नहीं बनाया था। उनका बिखरा और अशिक्षित परिवार बदलाव की लहर के साथ एक सही मार्ग पर अग्रसर हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।